तो कैसे आप सभी लोग, क्या सा उम्मीद करती हूँ। तो कैसे फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का और एक नया बिल्ड आ चुका है। अब सर कौन सा डेवलपर चैनल के लिए, तो कैसे उस बिल्ड का नाम है 22,000, कितना नहीं पता है, पर वो एक लेटेस्ट बिल्ड डेवलपर चैनल के लिए। तो आज को हम लोग बोलने जा रहे हैं उस अपडेट को कैसे इंस्टॉल करना है। वेट मिनट, आप लोग अगर इनसाइडर प्रोग्राम से, विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम से जुड़े हो, तो आप लोग को पहले आप लोग को सेटिंग्स पे जाना है। आप लोगों ने आईएसओ को, आप लोग को आईएसओ डाउनलोड, आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो आप लोग को किसी और की वीडियो से। आप लोग अगर विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को अपने लिए ज्वाइन कर लिया है, सिंपल सी बात है, आप लोग को क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स ऐप होता है, आपको उसके अंदर जाना है। और सेटिंग्स ऐप के जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को नीचे स्क्रॉल कर विंडोज अपडेट पे जाना है। और आप देख ही सकते हो 22.22.4.6.3 बोलकर अपडेट फाइनली आ चुका है। तो आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप देख ही सकते हो अपना ये फिलहाल डाउनलोडिंग हो रहा है। और उनके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। और आप देख ही सकते हो आप लोग को मैं क्या बोलते हैं, आज को लेके लेते हैं। सर तूने वीडियो इतनी जल्दी एंड क्यों कर दिया, मैं बोलना चाहूंगा आप लोग को क्या बोलते हैं, आप लोग को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे आप लोग, सर क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको रिस्टार्ट का एक ऑप्शन आ गया, आपको रिस्टार्ट पर क्लिक करना है और आपका विंडोज 11 आ जाएगा। विंडोज 11 ने विंडोज 11 का लेटेस्ट बिल्ड ये पर आर एस पर रिलीज आपका ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना है, आप लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो, मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल